अपना मेंटर बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि आप गगन प्रताप से मैथ्स पढ़ रहे और सोचे कि ये बैंकिंग में भी काम आएगा। नहीं, वो आपको बैंकिंग में काम नहीं आएगा। बैंकिंग में क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है, आपको उस पैटर्न के क्वेश्चन की तैयारी करनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंकुश लांबा सर से अगर मैंने मैथ्स पढ़ लिया तो वो टीचिंग में काम आ जाएगा, नहीं, टीचिंग में जो क्वेश्चन होते हैं वो थ्योरी बेस्ड भी बहुत सारे आते हैं और वो अमरजीत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगी कि अपने मेंटर को सेलेक्ट कीजिए। अभी कैसे सेलेक्ट करेंगे आप? जैसे मान लीजिए आज मैंने सोचा कि मैं टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करूंगी, तो मैं नेट पर सर्च चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा गाइडेंस दूंगी रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स। अब ये जो बातें मैं आपको बताऊंगी वो मैं ऐसे हवा में नहीं बताऊंगी। आपको तो पता है कि मैंने बहुत सालों तैयारी करी और जॉब लगने में मुझे इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डाइवर्टेड थी और मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए। तो आज मैं उन मिस्टेक्स से जो मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी में सीखा है आपको बताऊंगी, ताकि आपका जो गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम लेने की आपकी जो जर्नी है उसमें थोड़ा आपको आसानी मिले और आप सही डायरेक्शन में चल सकें। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहला पॉइंट जो मेरा है वो ये है कि आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोचते हैं तो आप ना पहले सिंगल गोल सेलेक्ट कीजिए, मतलब सेलेक्ट अ सिंगल गोल। अब इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये मैं आपको अपने लाइफ के एग्जांपल से समझाऊंगी। देखिए, जब मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू की तो मुझे कोई बताने वाला ऐसा नहीं था कि तुम केवल एक एग्जाम पे फोकस करो, उसी की तैयारी करो, क्योंकि सारे एग्जाम्स ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। तो मुझे किसी ने बताया था कि आप SSC की तैयारी करो, साथ में आपका बैंकिंग भी हो जाएगा, दोनों का पैटर्न लगभग सिमिलर होता है ना। तो उसमें मैं मार खा गई। पहले मैंने SSC की तैयारी की, फिर 2017 में मेरे साथ क्या हुआ कि 2017 में ना SSC का पेपर लीक हो गया था, तो उसका रिजल्ट डिले होने लगा। तो मेरे अंदर ये चीज़ आ गई कि अब क्या करूँ, SSC का पेपर तो लीक हो गया है। फिर मैं बैंकिंग पे चली गई और बैंकिंग की तैयारी मैंने एक साल की, लेकिन फिर आती है 2018 में रेलवेज की बम्पर वैकेंसी, सब लोग उसका फॉर्म फिल कर रहे थे। मैंने सोचा फॉर्म फिल करने में क्या बुराई है, फॉर्म तो मैंने फिल कर दिया और फिर उसमें मैं मतलब लास्ट तक सेलेक्ट हो गई थी। प्री मेंस मैंने टेक्नीशियन का क्वालिफाई कर लिया था लेकिन मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। और उसके बाद फिर दरोगा की वैकेंसी, तो मैं ना बहुत सारी वैकेंसीज फिल कर देती थी कि जो फॉर्म आ रहा उसको भर दो और उसकी तैयारी करने में लग जाओ। तो कभी SSC की तैयारी करती, कभी बैंकिंग, कभी रेलवेज, कभी झारखंड दरोगा, और ऐसे करके ना मेरा इतना सारा टाइम वेस्ट हुआ कि मैं आपको क्या बताऊँगी। और उस एक्सपीरियंस से मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अगर आपको एग्जाम देना है ना, केवल एक गोल चूज कीजिए। बैंकिंग एग्जाम और SSC एग्जाम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों एग्जाम अलग अलग हैं और दोनों का पैटर्न भी अलग अलग है। और तो जब अभी का जो मैं SSC का पेपर देखती हूँ, थोड़ा सा उसको बैंक की तरफ लाया जा रहा है, थोड़ा सा उसका टाइप जो है वो बैंकिंग के जैसा किया जा रहा, लेकिन 2016-17 में ये बात नहीं थी, दोनों पेपर बिल्कुल अलग अलग होते थे। और अभी भी मैं आपको यही कहूंगी कि आप कोई भी एग्जाम सेलेक्ट कीजिए, लेकिन एक एग्जाम सेलेक्ट कीजिए, तैयारी आपको केवल एक एग्जाम की करनी है। और ये VVI है, डोंट ऑप्ट फॉर मल्टीपल एग्जाम्स, सिर्फ आपको एक एग्जाम की तैयारी करनी है। चाहे उस, पता है आपको, मैंने एक सदगुरु का वीडियो देखा था, उसमें सदगुरु ने कहा था कि अगर आपने किसी चीज को अपना लक्ष्य बना लिया है तो उस रास्ते पर चलते रहिए। उस रास्ते पर चलने के बाद आपको हेल वाली फीलिंग भी क्यों ना आए, आपको उसी गोल को अचीव करना है, बस ये अपने दिमाग में आपको रखना है और तैयारी करती रहनी है। तो आपने भी जो गोल चूज कर लिया है आप केवल उसी की तैयारी कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब ना मैं आपको दूसरा पॉइंट बताती हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि चूज योर टीचर वाइजली। जैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप कहीं से भी करने मत लग जाइए, आप अपने टीचर को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट योर टीचर वाइजली। टीचर बोलिए या मेंटोर बोलिए फ्रेंड्स, उनको मेंटोर भी कह सकते हैं, कि आप किससे क्लासेस ले रहे हैं, किनको फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत ध्यान से देखिए। क्योंकि देखिए, अगर आप एक गगन प्रताप का कोर्स देखेंगे ना तो उसके ऊपर भी लिखा रहा है कि सबके लिए वैलिड है, रेलवेज के लिए भी, SSC के लिए भी, बैंकिंग के लिए भी, ठीक है। अगर आप अमरजीत सर का कोर्स देखेंगे तो वो भी ये लिखते हैं कि सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, बैंकिंग, SSC, रेलवे, टीचिंग, सबके लिए। अगर आप अंकुश लांबा का देखेंगे तो उनके थंबनेल में भी यही लिखा रहता है, लेकिन सच बात यह है कि गगन सर SSC के लिए अच्छे हैं, अंकुश लांबा बैंकिंग के लिए, और अमरजीत सर जो है वो टीचिंग एग्जाम्स के लिए अच्छे हैं। तो आपको अपना मेंटर बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि आप गगन प्रताप से मैथ्स पढ़ रहे और सोचे कि ये बैंकिंग में भी काम आएगा, नहीं, वो आपको बैंकिंग में काम नहीं आएगा। बैंकिंग में क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है, आपको उस पैटर्न के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंकुश लांबा सर से अगर मैंने मैथ्स पढ़ लिया तो वो टीचिंग में काम आ जाएगा, नहीं, टीचिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरी बेस्ड भी बहुत सारे आते हैं और वो अमरजीत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।
तो इसीलिए मैं आपको कहूंगी कि अपने मेंटोर को सेलेक्ट कीजिए। अब ये कैसे सेलेक्ट करेंगे आप, जैसे मान लीजिए आज मैंने सोचा कि मैं टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करूंगी, तो मैं नेट पर सर्च करूंगी कि टीचिंग एग्जाम्स के लिए अच्छे अच्छे टीचर्स कौन से हैं, यूट्यूब पर सर्च करूंगी, नहीं मिलेगा मेरे से पहले अगर किसी ने टीचिंग एग्जाम की तैयारी की, एसएससी की तैयारी की, बैंकिंग की तैयारी की, मैं उनसे पूछूंगी कि आपके सोर्सेस क्या थे। आपको 2-3 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से जांच पड़ताल करके अपना मेंटोर सेलेक्ट कीजिए। क्योंकि आपको पता है, जैसे मैं ना, मैंने सबसे पहला कोर्स, मुझे याद है मैंने करियर विल ऐप पे लिया था अद्वितीय सर का, उस टाइम पे अद्वितीय सर का मैथ्स का बैच आता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि इनसे पढ़ लिया तो सारा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर वो एसएससी का पढ़ा रहे हैं तो उससे आपका एसएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। अगर आपको बैंकिंग का करना है तो आप अंकुश लांबा सर को जाके फॉलो कीजिए, आशीष अरोड़ा को फॉलो कीजिए। आपको टीचिंग का करना है तो आप अमरजीत सर को फॉलो कीजिए, और भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको बस एग्जांपल बता रही हूँ। तो आपको अपना मेंटर जो है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से चूज करना है, इसमें कभी भी डाइवर्ट मत होइएगा। चलिए अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताती हूँ। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, डू योर बेसिक्स, मतलब आपका जो बेसिक है उसको पहले कंप्लीट कीजिए। अब बेसिक्स कैसे कंप्लीट करें, जैसे देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने सेलेक्ट किया, जैसे मैं ज़्यादातर टीचिंग के एग्जाम्स की वीडियो बनाती हूँ तो मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगी। जैसे मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस है, तो पहले मैं मैथ्स का बेसिक्स पूरा समझूंगी अच्छे से। अगर किसी टीचर को मैंने पकड़ा है तो उनसे मैं सारे बेसिक्स कंप्लीट करूंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूंगी ढेर सारे, और बेसिक जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं हायर लेवल के क्वेश्चन करूंगी। तो अक्सर हम ये गलती कर देते हैं ना फ्रेंड्स कि हम जैसे देखते हैं कि परसेंटेज थोड़ा सा पढ़ रहे, अरे हाँ परसेंटेज का क्वेश्चन बन रहा है, छोड़ो हटाओ अब इस टॉपिक को स्किप करो, उसके आगे पढ़ते हैं, परसेंटेज का प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेते हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे ना, तो मैं आपको सच बता रही हूँ, ऐसे करने के चक्कर में आपका कोई भी टॉपिक कभी कंप्लीट नहीं होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक चैप्टर को अच्छे से टाइम देके आप कंप्लीट कीजिए, और इतना रहिए कि अगर मैंने परसेंटेज पढ़ लिया तो परसेंटेज से अगर कोई क्वेश्चन आना है तो वो मेरे से बन जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे, आप ना जैसे मान लीजिए, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ इंग्लिश का। जैसे बैंकिंग के लिए जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मान लीजिए आपने नाउन पढ़ा, तो अगर आपने नाउन पढ़ लिया तो उसके बाद आप क्या कीजिए कि नाउन के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं एरर के क्वेश्चन, आप वो सॉल्व कीजिए। हम क्या सोचते हैं कि अरे नाउन का रूल पढ़ लिया, आर्टिकल का पढ़ लिया, एडवर्ब का पढ़ लिया, मॉडल्स का पढ़ लिया, सारे 100 ग्रामर रूल हमने पढ़ लिए, अब हम एरर सॉल्व करने जाएंगे। आपको पता है क्या होगा, आपसे एक भी एरर सॉल्व नहीं होगा, सारा आपका गलत होगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपना बेसिक कंप्लीट करना है, और उसके बाद आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू बनाना है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू, मान लीजिए कि मैंने अपना पहला टॉपिक नाउन पढ़ा था, तो नाउन के मैं 100 एमसीक्यू लगा लूंगी। अब 100 एमसीक्यू कहां से मिलेगा, आप एसएससी के प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब ले लीजिए, आप राकेश यादव पब्लिकेशन की भी बहुत सारी किताब आती है, किरण पब्लिकेशन की आती है, आप वहां से कर लीजिए। अगर आप बैंकिंग के भी स्टूडेंट हैं ना फ्रेंड्स, तब भी आप एसएससी का एरर वाला कीजिए, उससे क्या होगा आपका बेसिक्स जो है वो अच्छे से कंप्लीट होगा। आपको पता है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे बोलने के लिए कि डे वन से मॉक सॉल्व करो, लेकिन आपको डे वन से मॉक सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आप पहले दिन मॉक सॉल्व करेंगे ना, आपके 100 में आएंगे 20 नंबर 15 नंबर, फिर आप क्या करेंगे, ये 15-20 नंबर देख के आप हो जाएंगे डीमोटिवेट। आपको लगेगा कि भाई 10 लाख लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं और 10 लाख लोगों में मेरा नंबर जो 20 आ रहा है, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी क्या, नहीं हो पाऊंगी। तो बस यहीं पे आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और फिर आप उस एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जब आप ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस, आपको लगेगा कि अरे परसेंटेज का 100 एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, अब तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए ये मेरे से बन जाएगा। अब चैप्टर वाइज एमसीक्यू, पहले तो मैंने ऑफलाइन के आपको बता दिया कि आप किरण की बुक जो होती है प्रीवियस ईयर, कोई भी एग्जाम की प्रीवियस ईयर किताब आप ले लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, है ना। और इसके अलावा अगर आपको सॉल्व करना है तो ऑलिव बोर्ड हो गया, और उसके बाद मैं तो अनअकैडमी से करती थी और अड्डा 247 से, तो आप ये दोनों प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद जब आप 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे ना हर सब्जेक्ट का, मेनली तो 3 सब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, जिसमें कि आपका मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है और जीके जीएस, 4 सब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स। अब अगर आप चारों में 3-3, 4-4 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट। और इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हर दिन एक मॉक लगाना, शुरुआत में आप हर दिन एक मॉक लगाएंगे ना, आपको लगेगा कि आज तो मेरे आए थे 50 नंबर और दूसरे दिन मेरे 45 आ गए, मेरा तो नंबर बढ़ा ही नहीं। आप पहले दिन मॉक लगा रहे हैं, आपका मान लीजिए कि 100 में 40 आ रहा है,
फिर आप देखिए कि आपकी गलतियां क्या है, उस पर काम कीजिए, एक हफ्ते के बाद फिर दूसरा मॉक दीजिए। स्टार्टिंग में ना मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी कम होती है, और जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब मेरा सिलेबस कंप्लीट है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। आप मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा। जब आप मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे आपका स्पीड बढ़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम में आपको कैसे अप्रोच करना है वो समझ में आएगा। आपको शुरुआत से अगर आप पहले दिन से बनाएंगे ना आपको खुद समझ नहीं आएगा कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन पे टाइम देना है। आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में फंसे आप उसी को सॉल्व करते रह जाएंगे। तो इसीलिए ये गलती कभी मत करिएगा कि डे वन से मॉक टेस्ट देना है। आपको मॉक टेस्ट हमेशा हर सब्जेक्ट का 3-4 चैप्टर जब आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आपको मॉक टेस्ट देना है। मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करती हूँ, और नेक्स्ट पॉइंट है डोंट गो फॉर मल्टीपल कोर्सेस। अब इसका मतलब क्या है, पता है फ्रेंड्स हमारे साथ क्या होता है कि जब हम कोई एक टॉपिक किसी टीचर से पढ़ते हैं और फिर हम उसी टॉपिक को दूसरे टीचर से पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अरे इसने तो इसको ज़्यादा शॉर्टकट तरीके से बताया, ये ज़्यादा शॉर्टकट मेथड है। और इससे क्या होगा ना, आप एक ही टॉपिक को 10 टीचर से पढ़ लीजिएगा, कोई मेथड आपको याद यहाँ रहेगा नहीं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ही टीचर को फॉलो कीजिए शिद्दत से। एक टीचर को आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, उनके मेथड्स को बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो वो पढ़ा रहे हैं उनके रूल्स को बार बार लर्न कर लेते हैं, बार बार और रिविजन मेथड से पढ़ते जाते हैं, तब फिर आपका क्या होगा कि आपका अपने सब्जेक्ट पर कमांड बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे टीचर्स को फॉलो मत कीजिए, ये सिर्फ आपके अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा करेगा। आपको लगेगा कि ये टीचर नहीं, इससे अच्छा ये टीचर है, इससे अच्छा ये टीचर है। और आपको पता है यूट्यूब पर लाखों टीचर है, आप उलझ के रह जाइएगा। तो इसीलिए रिसर्च पहले कर लीजिए और जिस टीचर को चूज करें उस पर भरोसा दिखाइए और उसी का एक टीचर का कॉन्टेंट आप अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपसे अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रेंड्स ये है 3 फेजेस ऑफ एवरी एस्पिरेंट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए फ्रेंड्स कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो किसी एग्जाम को देखते हैं पेपर उसका, तो उनको लगता है कि यार ये सारे क्वेश्चन तो मुझे आते हैं, अगर मैं इस एग्जाम की तैयारी करूं तो मैं इसे क्वालिफाई कर जाऊंगी, और फिर वो तैयारी करने लग जाते हैं। शुरू में उनका मोटिवेशन हाई रहता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उनको लगता है कि मेरे मॉक में अधिक नंबर नहीं आ रहे हैं, मेरा स्पीड नहीं बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे वो डीमोटिवेट होते हैं। और डीमोटिवेट होते हैं उसके बाद पहला फेज आपका था आप एक्साइटेड रहेंगे कि ये एग्जाम मुझे क्वालिफाई करना है, इसके लिए मुझे तैयारी करनी है, सब कुछ जुटा लिया, कॉपी किताब सब कुछ है ना, सारे सोर्सेज आपने पता कर लिए, फिर आप एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं। बीच में एक ऐसा फेज आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं अब नहीं होगा हमसे, अब तो ये एग्जाम मेरे से क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, इतना पढ़ने फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहा है। बीच में आपके पास एक ऐसा फेज आएगा, उस टाइम पे आपको पेशेंस दिखाना है और फिर आपको आगे बढ़ना है। अगर उस फेज को आप पार कर जाएंगे ना फ्रेंड्स तो फिर आप प्रो हो जाएंगे। आप ना सारे क्वेश्चंस, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपसे सारे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे और आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मैं ये एग्जाम दूंगा तो 100% श्योर है कि मैं इसे क्वालिफाई कर लूंगा। और देखिए ये एक पहले टाइप के एस्पिरेंट हो गए। दूसरे टाइप के एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कि स्टार्ट करने से ही डरते हैं, उनको लगता है कि अरे इतना हार्ड क्वेश्चन है, इतने सारे लोग हैं, मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं, तो वो शुरुआत में डिमोटिवेटेड होते हैं। अगर उस टाइम पे आप थोड़ी सी हिम्मत दिखा के पढ़ना शुरू करें तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा वैसे वैसे आपके नंबर बढ़ेंगे। लेकिन ज़रूरत है किसकी, पेशेंस की, जो कि है मेरा 8वां पॉइंट। गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स तो पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको पेशेंस रखना होगा और साथ ही साथ कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होगी। एक चीज जिसने मेरी जिंदगी बदली वो है कंटिन्यूटी। भले ही मैं डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, खुद में उलझ गई थी, पता नहीं था कि क्या करना है लाइफ में, लेकिन एक चीज मुझे पता थी कि मुझे कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। हर दिन 10 मिनट ही पढ़ना है लेकिन पढ़ना जरूर है, एक मॉक ही लगाना है लेकिन लगाना जरूर है। और ऐसे करके फिर मैंने तैयारी करी और तब जाके मेरा टीचिंग एग्जाम्स में सिलेक्शन हुआ। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गए, बल्क में वैकेंसी आई थी, सबका सिलेक्शन हो गया, आपका कोई नया नहीं हुआ। मुझे पता है कि बल्क में वैकेंसी आई थी, और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे एग्जाम्स की बल्क में वैकेंसी आती है। आपने RRB NTPC का देखा होगा वैकेंसी, जो कि 2019 में आई थी, बल्क में वैकेंसी आई थी, उसमें मेरा प्री भी हो गया था, मेंस भी हो गया था, लेकिन मैं एंड तक नहीं पहुंच पाई है ना।
और इस बार भी बल्क में आई थी, लेकिन यहाँ पर मैं एंड तक पहुंच पाई। मान लीजिए कि बल्क में वैकेंसी आने की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो फिर हर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाना चाहिए था जो कि टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। TRE 3 के लिए एक भी कैंडिडेट नहीं बचना चाहिए था, लेकिन TRE 3 में ही फॉर्म फिल हुआ है। इवन लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि TRE 4 की वैकेंसी कब आएगी। सबको ये लगता है कि TRE 3 का मेरा एग्जाम थोड़ा खराब हो गया है तो TRE 4 में अप्लाई करेंगे। तो आप किसी को भी ऐसे नहीं कह सकते कि बल्क में वैकेंसी आई थी इसलिए तुम्हारा हो गया। नहीं भाई, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया था, 6 लाख लोगों ने तो केवल 6 to 8 में फॉर्म फिल किया था, लेकिन 6 लाख लोग सेलेक्ट नहीं हुए, कुछ लोग ही हुए हैं। और ये केवल वही लोग समझ सकते हैं जिनके पास थोड़ी बुद्धि हो और जिन्होंने कभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की हो, बाकी जिनको ऊपर से बोलना है वो तो ऊपर से बोलकर चले जाएंगे। खैर फ्रेंड्स हटाइए, तो ये थे मेरे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आप ना डाइवर्ट होने से बच जाएंगे। हम बहुत बार ना अपनी ज़िंदगी में डाइवर्ट हो जाते हैं, हमें लगता है कि इस टीचर से पढ़े, उससे पढ़े, क्या करें, क्या है पहला स्टेप। तो मैंने आपको स्टेप वाइज सब कुछ बता दिया है। चाहे आप किसी भी एग्जाम के कैंडिडेट हो, अगर आप हर एक स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।